नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। कैसे फॉरेन मिनिस्ट्री के एक मामूली से एक्स स्टेनोग्राफर ने देश के इतिहास का सबसे बड़ा एस्पियोनेज नेटवर्क खड़ा किया, कैसे वो सरकारी बाबुओं से ब्लैक लेबल विस्की की एवज में देश के टॉप क्लास डिफेंस सीक्रेट्स लेता रहा और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले करता रहा, जानेंगे ये सब एस्पियोनेज स्टोरीज के आज के एपिसोड में, जिसका नाम है ब्लैक लेबल सीक्रेट्स। आज की कहानी ली गई है माइकल स्मिथ की बेस्ट सेलर किताब द एनेटमी ऑफ अ ट्रेटर से, जिसका हिंदी में मतलब बनता है एक गद्दार की रचना। 16 जनवरी 1985 की दोपहर हमेशा की तरह ही कुमार नारायण दिल्ली के हेली रोड स्थित अपने ऑफिस से मेहरौली के अपने फार्म हाउस आए लंच करने के लिए। लंच करने के बाद उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया और वापस अपने ऑफिस निकल गए, जहां से वो अपने डिफेंस कॉलोनी वाले घर जाया करते थे और रात को वहीं सोया करते थे। मूल रूप से केरला के रहने वाले कुमार नारायण दिल्ली में सेटल होने से पहले कुछ साल कोची में भी रहे। दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में एक घर होने के साथ साथ मेहरौली में उनका एक फार्म हाउस भी था, जहां उनकी पत्नी गीता नारायण दो गोद ली हुई बेटियों के साथ रहा करती थी। ऑफिस से रात को अपने डिफेंस कॉलोनी वाले घर पहुंचने के बाद सोने से पहले वो अपनी पत्नी को एक दो बार फोन जरूर कर दिया करते थे, लेकिन 16 जनवरी 1985 की रात ये फोन नहीं आया। उनकी बीवी इंतजार करती रही, फिर देर रात उन्होंने उनके दोस्तों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी को भी कुमार का अता पता नहीं था। वो पूरी रात इंतजार करती रही लेकिन कुमार का फोन नहीं आया। उन्होंने डिफेंस कॉलोनी वाले घर के नंबर पे भी कई बार फोन किया लेकिन वहां भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब आया तो बस अगले दिन, जब उनको बताया गया कि उनके पति को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक जॉइंट टीम ने देश से गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गीता नारायण को बताया गया कि उनके पति देश के इतिहास का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क चला रहे थे और देश की सुरक्षा से जुड़े टॉप क्लास सीक्रेट्स विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बेच रहे थे। कुमार नारायण ने अपने करियर की शुरुआत सरकारी नौकरी से की, जब उनको फॉरेन मिनिस्ट्री में एक स्टेनोग्राफर की नौकरी मिल गई। 1955 में उनकी शादी हो गई और शादी होते ही उनको चाइना की पोस्टिंग दे दी गई, जहां उन्होंने एक साल बिताया। चाइना से वापस आने के बाद उन्होंने फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री ज्वाइन की और 1960 में वो नौकरी भी छोड़ दी। फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने मुंबई की एक इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी ज्वाइन की, जिसका नाम था SLM मानेकलाल। उन्होंने इस कंपनी का दिल्ली वाला ऑफिस, जो कि हेली रोड पे स्थित था, उसको ज्वाइन कर लिया और वहां से कंपनी का काम संभालने लगे। नारायण का परिवार और उनके पड़ोसी सदमे में थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक आम आदमी जैसे दिखने वाला आदमी, दरमयाने कद काठी का आदमी, हमारे तुम्हारे जैसे दिखने वाला आदमी जेम्स बॉन्ड हो सकता है। सब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि किस जासूसी नेटवर्क की बात हो रही है, नारायण ने जासूसी नेटवर्क बनाया कैसे, कौन कौन इसमें शामिल था, कैसे इनको सीक्रेट्स मिल रहे थे और ये सीक्रेट्स नारायण कैसे बेच रहे थे, किस किस को बेच रहे थे। 1960 में नारायण के SLM मानेकलाल ज्वाइन करने के बाद इस कंपनी का बिजनेस सोवियत यूनियन, फ्रांस और ईस्टर्न ब्लॉक के कई देश जैसे कि पोलैंड और ईस्ट जर्मनी में भी फैलने लगा। इन देशों में अपनी कंपनी के बिजनेस को फैलाने के लिए और इन देशों की सरकारों से मनचाहे डिसीजन करवाने के लिए नारायण को एक नायाब आइडिया सूझा। उसने फैसला किया कि वो इन देशों की सरकारों को भारत के टॉप क्लास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा और उसके बदले में उनसे अपने बिजनेस के लिए फायदेमंद डिसीजंस करवाएगा। नारायण अपने फॉरेन कॉमर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के पुराने दोस्तों से फिर से मिलने जुलने लगा और उनको अपने हेली रोड वाले ऑफिस पे शाम को बुलाने लगा, जहां पे की ब्लैक लेबल विस्की का इंतजाम किया गया होता था। वो चंद सेकंड्स में इन लोगों को शीशे में उतार लिया करता था विस्की के जरिए, हाई क्लास कॉल गर्ल्स के जरिए और अपनी मीठी बातों के जरिए। धीरे धीरे नारायण का ये ब्लैक लेबल विस्की गैंग काफी बड़ा हो गया और इसमें PMO के साथ साथ राष्ट्रपति भवन सेक्रेटरियट तक के कर्मचारी आने लगे। ये लोग कोई बहुत सीनियर ऑफिसर्स नहीं थे, IAS ऑफिसर्स नहीं थे, क्लर्क लेवल के ही ऑफिसर्स थे, लेकिन इनके पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की एक्सेस हुआ करती थी। शाम को ब्लैक लेवल की चुस्की और हल्की फुल्की बातचीत के दौरान ये लोग खुशी खुशी नारायण को सरकारी ब्रीफिंग पेपर्स हैंड ओवर कर दिया करते थे। ये वो ब्रीफिंग पेपर्स होते थे जो हाईली क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल माने जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स नारायण के ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का फटाफट साइकिल उठा के नजदीकी फोटोस्टेट की दुकान पे जाता था और वहां पे इनकी फोटोकॉपी करा लिया करता था। लेकिन जब नारायण का नेटवर्क बहुत ज्यादा फैल गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो उसने अपने ऑफिस के लिए खुद की पर्सनल फोटोकॉपी मशीन खरीद ली थी।
नारायण सैकड़ों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने ही नेटवर्क के दो और व्यापारियों को हैंडओवर कर दिया करता था। जो लोग इसको दिल्ली में ही स्थित पोलिश इंटेलिजेंस एजेंसी MSW के स्टेशन चीफ, ईस्ट जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी HVA के स्टेशन चीफ और KGB के स्टेशन चीफ को हैंडओवर कर दिया करते थे। 1970 और 80 के दशक में इस तरह नारायण ने लाखों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले किए। इनमें से ज्यादातर टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट पॉलिसी पेपर्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ नारायण ने इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम, मिलिट्री सैटेलाइट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और वेपनरी से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले सफलतापूर्वक किए। 1980 आते आते नारायण का जासूसी नेटवर्क सिर्फ ईस्टर्न ब्लॉक तक सीमित नहीं था, बल्कि CIA और ISI जैसी एजेंसीज को भी वो देश के सीक्रेट्स बेचने शुरू कर चुका था। नारायण ने फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी को भी कई हजार सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए, जिसके बदले में फ्रेंच सरकार ने उसकी कंपनी को $multi-million की वैल्यू के इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए। नारायण की कंपनी SLM मानेकलाल के इतिहास के ये सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे और यहीं पे नारायण गलती कर गया। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि IB ने इनमें कुछ गड़बड़ सूंघ ली और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सितंबर 1984 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नारायण के जासूसी नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन के बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी को भी बताया, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन अगले ही महीने उनकी हत्या कर दी गई और ये इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में चली गई। इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और IB ने उनको भी नारायण के जासूसी नेटवर्क के बारे में बताया, लेकिन तब तक राजीव गांधी दिसंबर में इलेक्शंस में उतरने की घोषणा कर चुके थे और उन्होंने IB से कहा कि तुम इलेक्शंस खत्म होने तक रुक जाओ। तब तक 16 जनवरी 1985 की शाम उस वक्त के प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PC अलेक्जेंडर का सीनियर PA पुकट गोपालन अपने ऑफिस से हिली रोड के लिए निकला नारायण से मिलने के लिए। वो नारायण के ऑफिस पहुंचा, जहां उसने नारायण को कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दिए। उसके बदले में नारायण ने ब्लैक लेबल विस्की का एक पैक बनाया और गोपालन को थमा दिया। दोनों ही लोग आराम से बैठ के विस्की की चुस्कियां ले रहे थे, ठहाके लगा रहे थे कि तभी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कम से कम 15-20 ऑफिसर्स उनके ऑफिस में भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। उन्होंने दोनों को अरेस्ट कर लिया और ऑफिस की बिल्डिंग को सील कर दिया। IB को गोपालन के ब्रीफकेस से 3 टॉप क्लास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। नारायण खुद ही IB के ऑफिसर्स को उसका नेटवर्क कितना बड़ा है इसके बारे में बताने वाला था, जिससे कि IB ऑफिसर्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली थी। अगले दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर पूरे देश को नारायण के इस जासूसी नेटवर्क के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने किसी भी विदेशी एजेंसी का नाम नहीं लिया और खुद भी इसकी कोई एडवांस नॉलेज होने से साफ इनकार कर दिया। शनिवार को IB के ऑफिसर्स फ्रेंच डेप्यूटी मिलिट्री अटाशे लेफ्टिनेंट कर्नल अलेन बोली के घर पहुंचे, उनका सारा सामान पैक किया और उनको परिवार समेत नई दिल्ली एयरपोर्ट पे एयर फ्रांस की फ्लाइट में बिठा दिया और उनको कभी इंडिया वापस ना लौटने का सख्त निर्देश भी दिया। फ्रेंच एम्बेसडर सर्च बोदेवा को एक्सपेल नहीं किया गया, लेकिन भारत सरकार ने उनको 1 महीने के भीतर भीतर देश छोड़ने का निर्देश दे दिया। पोलिश और ईस्ट जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्टेशन चीफ्स को भी भारत से एक्सपेल कर दिया गया, लेकिन KGB के स्टेशन चीफ को हाथ नहीं लगाया गया। इन्वेस्टिगेशन में कुमार नारायण ने तोते की तरह राज उगलने शुरू कर दिए, जबकि उनकी पत्नी गीता नारायण उनसे सारे आरोपों से इनकार करने की अपील करती रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन कुमार को शायद ये सब करने में मजा आ रहा था और वो अपनी पत्नी की एक नहीं सुन रहे थे और अथॉरिटीज को हर सवाल का जवाब दे रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। 5 महीने तक चली इस इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 मार्च 1986 को दिल्ली पुलिस ने टोटल 18 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी और उसके बाद वही हुआ जैसा कि हमारे देश में होता है। ये केस पूरे 17 साल चला और 2002 में एडिशनल सेशंस जज RK गोबा ने इस केस में अपना फैसला सुनाया। उन्होंने नारायण के बॉस योगेश मानेकल को सारे आरोपियों में सबसे लंबी 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना था कि मानेकल की ही दबाव में कुमार नारायण ने ऐसे तरीकों का चुनाव किया कंपनी के बिजनेस को दूसरे देशों में फैलाने के लिए। PM और राष्ट्रपति भवन सचिवालय के 12 पूर्व कर्मचारियों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले इन कर्मचारियों में PC अलेक्जेंडर के सीनियर PA पुकट गोपालन भी शामिल थे। लेकिन सबको हैरान परेशान कर देने वाली इस सर्कस के रिंग मास्टर कुमार नारायण उर्फ चित्तर वेंकट नारायण को कोर्ट सजा नहीं सुना पाई, क्योंकि 2000 में उनका निधन हो चुका था। हमारे देश के इतिहास का सबसे विस्तृत और लंबा चलने वाला यह एस्पियोनाज नेटवर्क का केस आज भी एस्पियोनाज और इंटेलिजेंस दुनिया के एक्सपर्ट्स का मुंह फाड़ देता है, उनको चकित कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के अगले एपिसोड में। जय मां भारती, जय हिंद।